वैसे तो आपको पता ही होगा कि अर्थ पर चार टाइप्स की वाटर बॉडीज है, ओशियन, सी, बे और गल्फ, बट इनकी साइज और लोकेशन में बहुत फर्क है। कैसे, चलो बताती हूँ। ओशियंस जो सॉल्ट वाटर में रिच है उसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज कहा जाता है, जिसमें आते हैं पांच ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। इन ओशियंस की एज पे है सीज जो लैंड से पार्शली इनक्लोज होती है, ओशियन से शैलो होती है और उनके दोनों साइड में कोस्ट लाइन होती है, जैसे अरेबियन सी, रेड सी। कुछ सीज लैंडलॉक भी होती है, जैसे डेड सी, कैस्पियन सी। अब गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है? बे जनरली तीन साइड से लैंड से सराउंडेड होते हैं और गल्फ से छोटे छोटे होते हैं, जैसे हडसन बे, बे ऑफ बंगाल। ऐसे तो गल्फ ऑफ कच्छ भी तीन साइड से लैंड से कवर्ड है, तो इसको बे क्यों नहीं कहते? एक्चुअली गल्फ ओशन से कनेक्टेड और नैरो ओपनिंग के साथ होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सेलेंट ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं, जैसे पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू एग्जाम विद अरिहंत।